हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का एक बहुत ही बजट फ्रेंडली वेरिएंट। तो चलिए करते हैं इसका डिटेल वॉक डाउन रिव्यू। ऑनर प्राइस के साथ मैं आपको काफी सारी डिटेल और भी बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो ये है न्यू नेक्सॉन का XM वेरिएंट। एंड गाइस, यहाँ पे 2 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 इयर्स। एंड इसकी टैगलाइन है इट्स नेक्स्ट लेवल। एंड नेक्सॉन की पर मंथ एवरेज सेल है अप्रॉक्सीमेटली 4400 यूनिट्स। एंड नेक्सॉन फेसलिफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टाटा के रंजनगांव फैसिलिटी में। एंड ये बिल्ट अप है X1 प्लेटफॉर्म पर। इसकी ग्लोबल इनकैपरेटिंग है 5 स्टार्स की। एंड यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर यूज करा गया है एंड बिल्ड क्वालिटी इज टॉप क्लास। एंड गाइज, अब फ्रेंड यहाँ पे आपको बहुत ही शार्प एंड स्टनिंग हेडलैम्प मिल जाते हैं। नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिए गए हैं एंड दीज आर प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद अप्रोच लाइट फंक्शन, यानी कि फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन। साथ में LED डेटम रनिंग लाइट्स भी अवेलेबल है। और नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको एक्सीलेंट डिटेलिंग मिलेगी। फॉग लैम्प इस मॉडल में नहीं मिलते, बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। और ये है पियानो ब्लैक फिनिश फ्रंट ग्रिल विद क्रोम फिनिश। और कॉम्पैक्ट SUVs की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन की बात करें तो नेक्सॉन का टर्निंग रेडियस है 5.1 मीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm, बूट स्पेस 350 लीटर्स, कर्व वेट 1237 kg से लेके 1305 kg अप्रॉक्सीमेटली। एंड साथ में फ्यूल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर्स की। एंड इस वेरियंट में दोस्तों आपको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स। व्हील कवर्स काफी स्टाइलिश दिए गए हैं एंड दीज आर 195/60 प्रोफाइल टायर्स। यहाँ पे व्हील आर्चेस पे भी बॉडी क्लैडिंग मिलेगी, साइड पे भी दी गई है, इवन वेस्टलाइन मोल्डिंग भी अवेलेबल है। एंड दोस्तों यहाँ पे विंडो फ्रेम के पास बहुत ही एलिगेंट सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। साथ में ब्लैक कलर के डोर हैंडल एंड ब्लैक कलर के विंग मिरर अवेलेबल है विद टर्न इंडिकेटर्स। और ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। और यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिलेगी बहुत ही स्लीक सिल्वर कलर की, साथ में रूफ एंटेना भी अवेलेबल है। सी पिलर आपको ब्लैक डॉट मिलता है। रियर में स्पॉइलर भी दिया गया है। और ये है नेक्सॉन फेसलिफ्ट की रियर लुक। ऑल्सो नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको मिलते हैं 6 कलर ऑप्शंस, विच इज कैलगरी वाइट, फ्लेम रेड, टेक्टोनिक ब्लू, प्योर सिल्वर, डेटोना ग्रे एंड फॉलेज ग्रीन कलर। एंड साथ में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेगी, रियर में ऑफर करी गई है ड्रम ब्रेक्स। एंड सस्पेंशन फ्रंट में आपको मिलता है इंडिपेंडेंट, रियर में दिया गया है सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल है और रियर लाइसेंस प्लेट भी आपको व्हाइट LEDs मिल जाती है। साथ में सेंटर में नेक्सॉन की बैजिंग और ये है ग्लॉसी ग्रे एंड पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रियर एप्लीक। ट्राई शेप्ड आपको LED टेल लैम्प मिलेंगे न्यू, विच इज लुकिंग वेरी स्पोर्टी। रियर में स्पॉइलर। एंड अगर हमें टेल गेट ओपन करना है तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग इस मॉडल में नहीं मिलती। तो अगर हम इस स्विच को की के स्विच को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, नाइसली कवर्ड आपको टेल गेट मिलेगा। एंड दोस्तों टोटल कार्गो एरिया अवेलेबल है 350 लीटर्स, काफ़ी वेल शेप बूट दिया गया है। और साथ में यहाँ पे लगेज लैम्प भी मिलता है और 2 ग्रॉसरी आपको लेफ्ट साइड मिलेंगे 3 kg के, एक यहाँ पे और इधर भी 2 दिए गए हैं। सो प्रैक्टिकलिटी आपको एक्सीलेंट मिलती है। एंड इसको उठाते हैं तो ये है स्पेयर टायर जो कि स्टील व्हील दिया गया है। टूल किट भी अवेलेबल है और ये 16 इंचेस का आपको टायर मिलेगा, 195/60 प्रोफाइल टायर। एंड बेंच फोल्डिंग सीट्स अवेलेबल है तो इसको भी हम डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है टोटल बूट स्पेस। रियर पार्सल ट्री आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड गाइज, न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट नो डाउट हर नुक एंड कॉर्नर से अब काफी ज्यादा अपीलिंग कर दी गई है। एंड इसी के साथ XM मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल है ABS विद DBD, डुअल फ्रंट एयरबैग, ड्राइवर सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर, लोड लिमिटर एंड क्रैश लॉकिंग टंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी अवेलेबल है गाइज। इसी के साथ इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, फॉलो मी होम हेडलैम्प एंड रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। एंड गाइज, दिस इज ओनली 2nd वेरियंट और यहाँ पे आपको ब्रिलियंट अमाउंट में सेफ्टी फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं। तो दोस्तों न्यू नेक्सॉन में अवेलेबल है पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक,
डीजल मैनुअल एंड डीजल ऑटोमेटिक। XM मॉडल लेंगे तो वहाँ पे आपको पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल मिल जाएगा। XMA मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल ऑटोमेटिक मिल जाता है। XM और XMA मॉडल में आपको फीचर्स का कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। सो सबसे पहले यहाँ पे हुड को ओपन कर लेते हैं। सो न्यू नेक्सॉन में दोनों इंजन आपको मिलेंगे BS6। फर्स्ट इज 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेविट्रॉन पेट्रोल इंजन एंड ये जनरेट करता है 120 PS ऑफ पावर एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियर बॉक्स मिलेगा और इसकी माइलेज है 17.4 KMPL। एंड दूसरा है दोस्तों 1.5 लीटर 4 सिलेंडर रेविट्रॉक डीजल इंजन एंड ये प्रोड्यूस करता है 110 PS ऑफ पावर एंड 260 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियर बॉक्स मिल जाता है और इसकी माइलेज है 22.4 KMPL। ऑल्सो इस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस मॉडल में आपको मिलती है रिमोट कीलेस एंट्री। यहाँ पे एक रिमोट की मिलेगी, एक नॉर्मल की मिलेगी। तो ये है फोल्ड की विद 3 स्विचेस और की होल भी आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। सो ये है फ्रंट डैशबोर्ड के लुक। डैशबोर्ड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया गया है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, ग्लॉसी सिल्वर फिनिश एंड क्रोम एसेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे विच आर लुकिंग वेरी प्लेजेंट। ब्लैक कलर की कारपेटिंग है, लाइट ग्रे कलर की आपको रूफ मिलती है और ये है फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग। यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन आपको अपहोल्स्ट्री में मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। ड्राइवर साइड सीट की आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते इस मॉडल में और यहाँ से फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। साथ में ड्राइवर फुटरेस्ट अवेलेबल है और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस। एंड इसी के साथ दोस्तों ये है फ्रंट डोर की लुक। यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी लैम्प, साथ में अम्ब्रेला होल्डर अवेलेबल है, स्पीकर्स, बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट। फ्रंट में ट्विटर्स भी मिलेंगे। इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का दिया गया है। ऑल फोर पावर विंडोज भी अवेलेबल है दोस्तों और ड्राइवर साइड स्विच आपको इल्यूमिनेटेड मिलेगा और ये ORVM कंट्रोल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल। एंड अब इस डोर को भी क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, बॉटल होल्डर्स अवेलेबल है और ये है मल्टी ड्राइव मोड, इको सिटी एंड स्पोर्ट मोड अवेलेबल है। आपको बेटर माइलेज चाहिए तो यहाँ पे आप इको मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो स्पोर्ट मोड पे ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फिनिश के साथ आपको गियर नॉब मिलेगी। एंड अब स्लॉट करते हैं रिवर्स गियर, तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको मिलेगा प्रॉपरली, काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। और इसके आगे कुछ स्टोरेज स्पेस, साथ में यहाँ पे एक 12 वोल्ट का एसएसडी सॉकेट एंड USB एंड ऑक्स पोर्ट आपको मिल जाएंगे। एंड इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसकी प्रॉपर वार्निंग भी मिलेगी। अगर कोई पर्टिकुलर डोर ओपन है तो उसकी वार्निंग भी आपको मिल जाती है। साथ में मैनुअल AC अवेलेबल है। एंड दोस्तों यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंट्रोल और ये है ऑडियो सिस्टम विद LCD डिस्प्ले। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। ट्विटर्स की ऑल 4 डोर्स में स्पेस दी गई है, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये सपोर्ट करता है ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, रेडियो एंड iPod, iPhone कनेक्टिविटी को। एंड गाइस ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है बाय हर्मन। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको मल्टीपल सेटिंग मिल जाती है, व्हीकल सेटअप, पार्क असिस्ट यानी कि रियर पार्किंग सेंसर, साथ में अप्रोच लैम्प, तो इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं कितने सेकंड्स के लिए आप चाहते हैं, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 30 सेकंड्स। साथ में ऑडियो सेटअप, जनरल सेटअप, आप यहाँ पे क्लॉक को सेटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स अवेलेबल है गाइस। एंड इसी के साथ ये है ग्लव बॉक्स। सो ह्यूज साइज का ग्लव बॉक्स अवेलेबल है विद पेन होल्डर, कप होल्डर, कार्ड होल्डर, लैपटॉप एंड टैबलेट ट्रे आपको इस मॉडल में नहीं मिलेगी और एल्यूमिनेशन एंड कूल ग्लव बॉक्स भी नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है, सेंटर में कैबिन लैम्प विद हीटर डिमिंग फंक्शन और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस और ड्राइवर साइड सनवाइजर। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा बट टिकट होल्डर दिया गया है। और ये है गाइस स्टीयरिंग व्हील के लुक, तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते बट बहुत ही स्टाइलिश स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा
एंड टिल्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल है, तो ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे वो स्टार्ट बटन आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं करा जा रहा। साथ में ये है वाइपर कंट्रोल्स, ये है हेडलैम्प कंट्रोल एंड हेडलैम्प लेवलर। एंड गाइज यहाँ पे आपको सुपर मॉडर्न फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। ये डिस्प्ले करता है डिजिटल क्लॉक, डुअल ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल लाइफ स्पीड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, साथ में रीफ्यूल वार्निंग यानी कि लो फ्यूल वार्निंग भी डिस्प्ले होगी। एंड गाइज यहाँ पे आपको पावर डोर लॉक और सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाती है। एंड अगर हम कोई भी डोर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट डोर की हमें वार्निंग मिल जाती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड गाइज यहाँ पे आपको वेलकम फंक्शन भी मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ऑल्सो इस वेरिएंट के बारे में फर्दर डिटेल आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यह है रियर डोर की लुक, ऑल ब्लैक कलर का डोर मिलता है, सिल्वर एसेंट्स अवेलेबल है। साथ में चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, रियर में यहाँ पे आपको ट्विटर की स्पेस मिलेगी, साथ में स्पीकर दिए गए हैं, बॉटल होल्डर अवेलेबल है। एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे आपको पॉकेट नहीं मिलती है एंड इस वेरिएंट में रियर एसी वेंट भी ऑफर नहीं करे गए। सो ये है रियर सीट्स की लुक, यहाँ पे आपको टू फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगी। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल अवेलेबल है विद कोट हुक। सेंटर में कैबिन लैंप आपको नहीं मिलता, राइट साइड भी ग्रैब हैंडल पे कोट हुक मिल जाता है, यहाँ पे भी एक ग्लॉसरी हुक दिया गया, इस साइड भी आपको मिलेगा, तो प्रैक्टिकलिटी टॉप क्लास मिलती है। इसको भी क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे ट्विटर की स्पेस बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो ये है XM वेरिएंट के डैशबोर्ड की लुक, कैसा लगा आपको ये वेरिएंट जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।